brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा उसे देख दुनिया हैरान है, लेकिन दूसरी ओर भारत रुकने का नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि खबर सामने आ रही कि डीआरडीओ ने फिर से बड़ा धमाका कर दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक्स पर बताया कि रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी DMSRDE ने एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए एक खास ईंधन तयार कर लिया है, जिसे लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल नाम दिया गया है। सुपरसोनिक मिसाइलों की दक्षता बढ़ाने के लिए इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान के दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा। लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल को तैयार करने के बाद DMSRDE सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर चुका है। अब इस परीक्षण के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि डिफेंस सेक्टर में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। अब सवाल ये कि इस सफलता के जरिए क्या क्या कर सकता है भारत। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे बड़ी आसानी से ब्रह्मोस तकनीकी की मिसाइलों की स्पीड एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ DMSRDE ने उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन विकसित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। इस ईंधन का 8 मई को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL में रैमजेट परीक्षण बिस्तर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस फ्यूल को विकसित करने के लिए BPCL और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर काम किया। इससे पहले भी DRDO बड़े धमाके कर चुका है। इससे पहले DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली के तहत विकसित मिसाइल का परीक्षण किया। ये टेस्ट 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल एक अगली पीढ़ी का मिसाइल है, जो हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली के तहत विकसित की गई। इस मिसाइल के नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि अगली पीढ़ी का मिसाइल सिस्टम है, जो लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है, जिसे नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए DRDO के वैज्ञानिकों ने डिजाइन और डेवलप किया है। यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी है। बता दें कि टॉर्पीडो पानी के अंदर एक मुख्य हथियार है, जो कि दुश्मन के पनडुब्बी और युद्धपोत जैसे तमाम समुद्री हथियारों का काम तमाम कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भारत के पास कौन कौन से टॉर्पीडो हैं? तो भारत के पास वरुणास जैसे खतरनाक टॉर्पीडो हैं, लेकिन अगला सवाल ये भी कि इसकी मारक क्षमता कितनी होगी। तो टॉर्पीडो मिसाइलों की मारक क्षमता 40 या 50 किलोमीटर होती है। ऐसे में टॉर्पीडो से हमला करने के लिए भारत के युद्धपोत या पनडुब्बियों को चीन के युद्धपोत या फिर पनडुब्बी के केवल 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में आना होगा। खैर, अब एक बार फिर से DRDO ने जो कारनामा किया है, जो धमाका किया है, उसे देखकर दुनिया दंग रह गई। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।